हर दौर में कुछ ऐसी फिल्में बनी जिन्हें खूबसूरत फिल्मों का दर्जा दिया गया। ऐसी फिल्मों के मनमोहक दृश्य, कर्णप्रिय संगीत, बेहतरीन निर्देशन और कलाकारों का सशक्त अभिनय दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। दर्शक ना उन फिल्मों की कहानी भूल पाते हैं और ना ही उनके किरदारों को। 90 के दशक में एक ऐसी ही खूबसूरत फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका नाम है सिर्फ तुम। केरल और नैनीताल के खूबसूरत नजारों के बीच एक निश्चल प्रेम को व्यक्त करती इस फिल्म की कहानी और संगीत के साथ साथ दर्शक आज भी इस फिल्म के किरदारों को याद किया करते हैं, और उनमें से सबसे खास है कहानी की मुख्य किरदार आरती। और इस किरदार को अपने मौलिक अभिनय से जीवंत कर देने वाली अभिनेत्री का नाम है प्रिया गिल। इस फिल्म में उनके प्रेमी दीपक के किरदार को निभाया था अभिनेता संजय कपूर ने, और अन्य सशक्त भूमिकाओं में जैकी श्रॉफ, मोहनीश बहल, सुष्मिता सेन, तेज सप्रू और जॉनी लीबर जैसे ढेरों दिग्गज कलाकार नजर आए थे। इन दमदार और स्थापित कलाकारों के बीच प्रिया गिल का अभिनय किसी भी दृश्य में कमजोर नहीं दिखा। मासूमियत और सादगी से भरी प्रिया गिल ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि यह किरदार ही उनकी एक खास पहचान बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। प्रिया गिल का जन्म पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था और उनके पिता भारतीय सेना में अफसर थे। बचपन से ही प्रिया को अभिनय और मॉडलिंग में दिलचस्पी हो गई थी। उन्होंने कम उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और 90 के दशक में कॉलेज की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में अव्वल आने के साथ साथ पंजाब में होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी सबका दिल जीत लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि घर से लेकर बाहर तक हर कोई उन्हें मिस इंडिया के कॉम्पिटिशन हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने लगा, और देखा जाए तो प्रिया का लक्ष्य भी यही था। उन्होंने वर्ष 1995 में आयोजित मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और फाइनल राउंड तक पहुंचने में कामयाब भी रही। इस प्रतियोगिता में प्रिया सेकंड रनर अप रही। दोस्तों, फिल्मी दुनिया से प्रिया का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, इसलिए एक्टिंग में इंटरेस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने उस वक्त इसके लिए विशेष प्रयास नहीं किया, बल्कि उनकी तो मॉडलिंग के दौरान ही एक भारतीय नौसेना के पायलट से सगाई भी हो चुकी थी और शायद वो जल्द ही शादी करके सेटल भी हो चुकी होती। लेकिन दुर्भाग्य से उसी दौरान एक घटना में प्रिया के होने वाले पति शहीद हो गए। दोस्तों, स्वाभाविक है कि इस दुखद घटना से प्रिया बुरी तरह टूट गईं। लेकिन जब उनके घर वालों ने उनकी यह हालत देखी तो उन्होंने प्रिया को बहुत समझाया और उनका हौसला बढ़ाया कि उन्हें इन सब बातों को भूलकर अपने मॉडलिंग और एक्टिंग के करियर पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल प्रिया सदमे से निकली और उसी वर्ष अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL के बैनर तले होने वाले टैलेंट हंट शो में भाग लेने का मन बना लिया। फिल्म इंडस्ट्री के ढेरों दिग्गज के सामने अपनी परफॉर्मेंस से प्रिया ने सबका दिल जीत लिया और अपनी सादगी और प्रतिभा से उन्होंने ABCL की फिल्म तेरे मेरे सपने में अपनी जगह भी पक्की कर ली। इस फिल्म में प्रिया के साथ चंद्रचूड़ सिंह, अरशद बारसी और सिमरन जैसे नए कलाकारों ने भी काम किया, जो सभी ABCL की ही खोज थे। दोस्तों, वर्ष 1996 में नए कलाकारों को लेकर बनी इस फिल्म के रिलीज के साथ ही सुपरस्टार आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी भी उसी दिन रिलीज हुई थी, जो एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, और तेरे मेरे सपने फिल्म चर्चा में होने के बावजूद औसत ही रही। बहरहाल प्रिया की मासूमियत और उनके अभिनय को दर्शकों के साथ साथ बॉलीवुड ने भी सराहा और उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, जिनमें से एक थी वर्ष 1998 में प्रदर्शित अरबाज खान की श्याम घनश्याम। बदकिस्मती से यह फिल्म असफल साबित हुई। इसके बाद वर्ष 1999 में प्रदर्शित हुई फिल्म बड़े दिलवाला, जिसमें प्रिया के नायक थे सुनील शेट्टी, यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल ना दिखा सकी। इसके बाद आई वह फिल्म जिसके लिए प्रिया गिल को आज भी याद किया जाता है, और इस फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। वर्ष 1999 में प्रदर्शित निर्माता बोनी कपूर की इस खूबसूरत फिल्म में प्रिया के नायक थे संजय कपूर। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो सफल हुई, लेकिन जब टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रसारण हुआ तो इस फिल्म ने एक इतिहास रच दिया। इस फिल्म में प्रिया की सादगी और मासूमियत को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया। इस फिल्म का संगीत भी बहुत पॉपुलर हुआ, जिसे नदीम श्रवण द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रिया का करियर हिंदी फिल्मों में नहीं चल सका तो वो साउथ चली गई, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। वर्ष 1999 में ही हिंदी फिल्म सिर्फ तुम के अलावा उसी वर्ष प्रिया प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म मेघम में भी नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके साथ साउथ के दिग्गज एक्टर मामूटी ने काम किया था। इस फिल्म के बाद प्रिया को साउथ की कई और फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने हिंदी के साथ साथ साउथ की फिल्मों में भी काम करना
जारी रखा। इसके बाद वर्ष 2000 में प्रदर्शित फिल्म जोश में वे शाहरुख खान के साथ मुख्य किरदार में नजर आईं। प्रिया के अलावा इस फिल्म में ऐश्वर्या राय और चंद्रचूड़ सिंह भी थे, फिर भी प्रिया ने इन एक्टर्स के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। इसी वर्ष यानी वर्ष 2002 में ही प्रिया तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार मोहन बाबू जैसे एक्टर्स के साथ दो और तेलुगु फिल्मों में काम किया। प्रिया हिंदी और साउथ दोनों ही भाषाओं की फिल्मों में व्यस्त रहने लगी। वर्ष 2001 में हिंदी फिल्म जीतेंगे हम और वर्ष 2002 में तमिल फिल्म रेड के साथ साथ पंजाबी फिल्म जी आया नू में भी ये नजर आईं। प्रिया हिंदी और साउथ की फिल्मों में लगातार काम तो कर ही रही, लेकिन कहते हैं ना कि अगर नसीब साथ ना हो तो इंसान कितनी भी मेहनत कर ले उसे सफलता हासिल नहीं हो सकती। प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उनकी अच्छी फिल्में भी बड़े कलाकारों के होने के बावजूद सफल नहीं हो पा रही थी। एक फौजी परिवार में जन्मी प्रिया को जब बॉर्डर हिंदुस्तान का और येलोसी कारगिल जैसी फिल्मों का ऑफर मिला तो उन्होंने बिना अपने रोल की परवाह किए उन्हें स्वीकार कर लिया। अफसोस कि बड़ा बैनर और बड़े सितारों से सजी वर्ष 2003 में प्रदर्शित ये फिल्म भी ना चल सकी। यहाँ तक कि निर्देशक जेपी दत्ता भी येलोसी कारगिल में अपनी पिछली फिल्म बॉर्डर की सफलता दोहरा नहीं सके। वर्ष 2006 में प्रिया की दो और फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें से एक थी भोजपुरी फिल्म पिया तो से नैना लागे और दूसरी थी हिंदी फिल्म भैरवी। 2006 में प्रदर्शित भैरवी ही प्रिया की आखिरी फिल्म थी। हालांकि उनके भोजपुरी फिल्मों में काम करने को लेकर मीडिया में यह चर्चा हुई कि उन्हें अब हिंदी फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया है। दोस्तों, बॉलीवुड में प्रिया गिल ने अपने 10 साल तक के सफर में ढेरों बड़ी फिल्में की, बड़े कलाकारों के साथ काम किया और ढेरों भाषाओं में काम किया। सार्वजनिक रूप से प्रिया आखिरी बार मुंबई में वन रैंक वन पेंशन के एक कार्यक्रम में नजर आईं और साथ ही उन्हें एक भंडारे में बच्चों को खाना खिलाते देखा गया था। दोस्तों, मीडिया ने यहाँ एक बार फिर एक गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। इस बात का मीडिया में बहुत मजाक बनाया गया कि प्रिया की हालत इतनी खराब है कि वे भंडारे में खाने के लिए मजबूर हैं। सस्ती टीआरपी पाने के चक्कर में मीडिया में आई इस खबर से प्रिया को बहुत तकलीफ पहुंची और शायद यही वजह थी कि वे ना सिर्फ मीडिया से बल्कि लाइमलाइट से ही एकदम दूर होती गईं और अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गईं। कुछ वर्षों पहले उनके एक फैन ने उनके साथ की एक तस्वीर को सोशल मीडिया पे शेयर किया था। दुबई में भी उन्हें अपने पति के साथ एक फैन द्वारा देखा गया था। फ्रांस के एक बैग स्टोर में उसके ओनर ने भी प्रिया के साथ अपनी एक फोटो को शेयर किया था जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। दोनों ही तस्वीरों में प्रिया पहले की तरह ही मासूम और खूबसूरत नजर आ रही हैं। ये देखकर उनके चाहने वालों को भी काफी राहत मिली। बताया जाता है कि प्रिया शादी के बाद डेनमार्क के साउथ कोरोलिना में अपने परिवार के साथ एक सफल जीवन गुजार रही हैं। नारद टीवी अभिनेत्री प्रिया गिल के सुखद भविष्य की कामना करता है और साथ ही साथ यह भी उम्मीद करता है कि प्रिया जल्द ही अपने चाहने वालों को सोशल साइट्स के माध्यम से अपने बारे में अवगत कराएंगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हनुमान, जय श्री राम।